वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका स्वागत करते हैं विरसा चैनल में। आज की ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। ये इस करके बनाई जा रही है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से श्री दरबार साहिब जी, जो कि सिख धर्म का एक केंद्रीय स्थान है और जो संसार के रूहानियत की एक केंद्र है, उधर के प्रबंध के संबंध में और उसके ऊपर उनके सिद्धांतों पे कई लोग नुक्ताचीनी और टिप्पणी करने से और कई लोग कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज को सामने रख रहे हैं। तो इस चीज़ को बेहतर समझते हुए आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो ज़रूर आप इस पूरी वीडियो को देखना और इस वीडियो के साथ हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो सिख सिद्धांत हैं और एक फैक्ट है उसको ज़रूर आपके सामने रखें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Hi guys, wishing you all a very happy International Day of Yoga, all the way from Golden Temple. I hope aap yoga ko apne life mein apply kare aur meri legal team fight karne ke liye ready hai har har maan hai na fight color hai वैसे ही उन्होंने बोल दिया कि इसे हटाओ तो मैंने ये भी नहीं हटाया वैसे तो दरअसल जब हम श्री दरबार साहिब जी की बात करते हैं तो श्री दरबार साहब जी, जैसे मैंने बोला कि एक सिख धर्म का केंद्रीय स्थान है, श्री गुरु रामदास पातशाह जी के हुक्मों से गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी ने इसको स्थापित किया। आज ये सिख की रूहानियत का और सिख के भक्ति का एक बहुत बड़ा स्थान है। इसी तरीके से सर्व सांझीवालता और रूहानियत का एक केंद्र जो है वो भी श्री दरबार साहब ही माना जाता है। हर धर्म, हर वर्ग, हर लोग, कोई भी इंसान इधर अपनी भक्ति भावना से इधर ज़रूर आ सकता है और इधर संगत में बैठ के, खुर संगत में जोड़ के उस अकाल पुरुष से प्रेम कर सकता है, प्रेम भावना को जगा सकता है। लेकिन पिछले समय से सिख सोच से जो लोग विरोधता में हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि हमें इस प्रबंध को और इस सांझीवालता को कैसे तोड़ना है। वो लोग ये चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे श्री दरबार साहिब जी को, इन लोगों को जो ये लोग श्री दरबार साहिब जी की जो लोकप्रियता लोगों में फैली हुई है, हम उसको कैसे हटाएं। उसके लिए बड़े यत्न हो रहे हैं। उसमें से एक ज़रूर आपको पता होगा कि पिछले समय 20 जून को एक योगा प्रीचर अर्चना मकवाना श्री दरबार साहिब जी में जाते हैं और उधर योगासन करते हैं, जो कि वो हर जगह पे करते आए हैं, और उधर जाके वो शीश आसन करते हैं। जब वो शीश आसन वहाँ पे करते हैं तो वो ही एक पिक्चर जो है वो पोस्ट करते हैं, जिसके बाद तमाम दुनिया में बसते हुए सिखों ने इसकी निखेधी की। जब एसजीपीसी को इस बात का पता लगा और एसजीपीसी ने भी लीगल कार्रवाई को करते हुए FIR रजिस्टर करवाई 295A के तहत। अर्चना मकवाना जो एक योगा प्रीचर हैं, जब उनको ये बात पता लगी कि ये जो पोस्ट फोटोज़ हैं या ये जो पोस्टर शीश आसन का है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो उन्होंने बिना किसी के वेट किए हुए और बिना कुछ देखे हुए एक अपोलोजाइज वीडियो जो है वो बनाई और वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट भी की। जो फेवरेट आसन है शीश आसन, जो मैं हर जगह करती हूँ, वो उनके लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए किया था, नहीं कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। मेरी ऐसी कोई इंटेंट नहीं था। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लगा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा ऐसा किसी भी संप्रदाय को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन। हम इसके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं कि कई बार इंसान भावना में आके हम इस चीज़ से बेखबर होते हैं कि वहाँ की मर्यादा क्या है, वहाँ पर कैसे हमने जाना है, तो उसके बाद कई बार हम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ अर्चना मकवाना जी ने भी रियलाइज़ की, उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी भी मांगी। अभी SDPC ने लीगली तौर पे इसकी कार्रवाई ज़रूर की हुई है, पर उसके बाद कई लोगों ने उनके सोशल मीडिया हैंडल पर और पर्सनली उन्हें काफ़ी थ्रेट्स दिए और बहुत ज़्यादा थ्रेट्स उन्हें आने शुरू हुए। मैं इस चीज़ की पूरी ही निखेधी करता हूँ कि किसी को कोई हक नहीं है कि आपकी निजी ज़िंदगी पे और ये जो थ्रेट्स हैं जो मिले हैं आपको, उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं और हम ये नहीं चाहते कि लोग जो हैं इस चीज़ की जो निखेधी इस तरीके से करें। अगर हम कंडम करना चाहते हैं तो एक वे होता है कंडम करने का, ना कि ये कि किसी को गाली दी जाए
और ना ही ये किसी को मौत का फतवा जारी किया जाए, ये हमारे तक नहीं है। जिस तरीके से कंडेम करना है हमारी लीगल बॉडी SDPC ने उस चीज़ को रियलाइज करते हुए कंडेम भी कर दिया है। पर उसके बाद जैसे ही ये कमेंट्स में या फिर उनको ये हर्ट मिलनी शुरू हुई, तो वो लोग जो श्री दरबार साहब जी के प्रबंध से या श्री दरबार साहब जी की लोकप्रियता से बिल्कुल अपने आप को एक हम कहते हैं ईर्ष्यावादी सोच रख के चलते हैं, उन लोगों ने जब इस चीज़ का सपोर्ट करना शुरू किया तो उसके बाद एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने केस को जो उन्होंने वहाँ पे शीर्ष शासन किया था, जिसकी वो माफ़ी मांग चुके थे, जिसको वो पहले ही बता चुके थे कि मैंने गलत किया है, अब उसको जस्टिफाई करने लगे। और आखिर में अब यहाँ पे ये बात आती है कि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करके SDPC को सीधे ही ये बोला है कि मेरे ऊपर से ये केस वापस ले लो। उस पे उन्होंने SDPC ऑफिशियल ने मेरे अगेंस्ट FIR कर दी बेसलेस, तो ये और बुरा हो गया। वरना मेरा इंटेंट खराब नहीं था। ओके, आप CCTV कैमरा का पूरा फुटेज पब्लिक कर दीजिए, आपको सब कुछ क्लियर दिख जाए। अगेंस्ट ये फालतू के FIR करने की जरूरत क्या थी? इतना सारा मेंटल टॉर्चर हरेसमेंट मेरे को हुआ, उसका क्या? अभी भी टाइम है, आप FIR वापस ले लीजिए, वरना मैं और मेरी लीगल टीम फाइट करने के लिए रेडी है। हर हर महादेव। और अपने ही इस काम जो उन्होंने ये वहां पे जाके आसन किए हैं, इसको वो जस्टिफाई करने के लिए कई चीज़ों की स्टोरीज या कई वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं। अब वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि लोगों में इसकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। अभी इससे पहले वो पावन पवित्र धरल की या उसकी आप अगर पहली वीडियो को ज़रूर देखें तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को कंडम कर दिया था, इस चीज़ की माफ़ी मांग दी थी। ठीक है, हमने पहले ही मैंने बोल दिया है कि इसके बाद जो आपको हेट का सामना करना पड़ा वो बिल्कुल ही बर्दाश्त करने के योग नहीं है, उसके बारे में भी हम लीगली तौर से चल सकते हैं। और SDPC ने भी उसको कमेंट कंडम किया हुआ है, पर फिर आपने अपने एक्ट को जस्टिफाई करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि लोगों में लोकप्रियता फैलनी शुरू हुई। इसका मतलब कि भावना वहाँ पे ये नहीं थी, भावना सेवा की नहीं थी। आपने वहाँ पे सेवा की वीडियो पोस्ट करनी शुरू कर दी, डोनेशंस की रसीद दिखानी शुरू कर दी। ये सेवा, ये डोनेशंस क्या हम किसी के लिए करते हैं या इंसान खुद के लिए करता है? भक्ति का मार्ग इंसान के खुद के लिए फ़ायदेमंद होता है, ना कि इन चीज़ों से ये जो चीज़ें हैं वो जस्टिफाई होनी शुरू होती हैं। अकाल पुरख के दर पर की हुई सेवा अकाल पुरख के लिए नहीं होती, इंसान के खुद के मन को स्थिर और निम्रता में लाने के लिए होती है। वो इसलिए नहीं होती कि हम एक अहंकार को लेके चलें। गीता ने भी अहंकार को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अहंकार से मन की बुद्धि कभी नहीं शांत होती। और अगर आप योगा करते हुए, इतना योगा करते हुए भी आपका जो अहंकार है वो आज सामने आ रहा है, आप सीधे ही चुनौती देने पर उतर रहे हैं और अपने केस को जस्टिफाई कर रहे हैं। आज आप ये चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, मैं ज़रूर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज आप ये रिसर्च कर रहे हैं, क्या उस दिन आप ये रिसर्च करके नहीं जा सकते थे कि वहाँ पे श्री दरबार साहिब जी की जो परंपरा है, वहाँ पे जो मर्यादा है, सिख रहत मर्यादा है, उसके या सिख प्रिंसिपल्स में योगा का क्या स्थान है? हाँ, कई लोगों को जो लोग सिख सिद्धांतों को अपनी तरफ से लेना चाहते हैं, पता तो है नहीं, कुर्बानी की बिल्कुल भी सोझी नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का वाणी का ध्यान नहीं है, वो लोग अब हमें सिखा रहे हैं कि नहीं जी, सिख सिद्धांतों में सिख परंपराओं को एक अटूट अंग है योगा। अगर ये है तो गुरबाणी की ज़रा इन पंक्तियों में देखा जाए। गुरबाणी ने सच्चे योगी को बोला हुआ है, जब अंदर की मैल उतर जाए, निम्रता आ जाए, किसी आसन से योग नहीं कमाया जा सकता, योग कमाया जाता है गुरु शब्द से। इस बारे गुरबाणी का क्या फरमान है, आइए देख लेते हैं। तो गुरबाणी कहती है, आसन पवन दूर कर बवरे, शोट कपट नित हर भज बवरे। इसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 642 अंक पर लिखा है, जोग सिद्ध आसन 84 AP कर कर रेहा, वडी आरजा फिर जन्मै, हर स्यों संग न गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 98 पर लिखा हुआ है, खट शास्त्र विचरत मुख्याना, पूजा तिलक तीरथ इशनाना, निवली क्रम आसन 84, इनमें शांत ना आवे जियो। अब असली योगी के बारे में गुरु जी बताते हुए कहते हैं, सो जोगी गुर शब्द पछाणे, अंतर कमल प्रकाश थिया। गुरु नानक देव जी पातशाह जी ने जोग के ऊपर तो पूरा एक शब्द उठा रहा हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे है,
जोग न खिंता जोग न डंडा जोग न पसम चढ़ाइए जोग न मुंदी मूंड मुंडाइए जोग न संगी वाइए अंजन माह निरंजन रहिए जोग जुगत इव पाइए गली जोग न होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कहिए सोई रहाओ जोग न बाहर मरी मसाणी जोग न ताड़ी लाइए जोग न देश दिसंतर पवे जोग न तीर्थ नाइए। इसकी डिटेल विचार अभी आप पढ़ ले सकते हैं, मैंने तो शब्दों के अर्थ जो है आपको इंग्लिश में भी सामने नज़र आ रहे होंगे। डिटेल्ड इसके टॉपिक के ऊपर मैं एक ज़रूर अलग वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे, पर आज का टॉपिक जो है वो इसके ऊपर नहीं है। तो जब आपको ये वैल्यूज़ पता ही नहीं थी, आप उस समय ये जस्टिफाई जो आज आप रिसर्च कर रहे हैं, या आपने उस टाइम पर ये रिसर्च नहीं की, आज आप ये रिसर्च साबित करके क्या करना चाहते हैं? जो फ़ोटोज़ आप पोस्ट कर रहे हैं आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, या आप कई लोगों को फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं, कई लोग इसमें दुखी हुए हैं कि श्री दरबार साहब में नमाज़ की इजाज़त है तो इसकी इजाज़त क्यों नहीं है, उसके बारे में भी क्लैरिटी ज़रूर देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। हमारी एक वीडियो है, क्योंकि विरसा चैनल के तौर पर हम कई डॉक्यूमेंट्रीज़ को शूट करते हैं, ये एक वीडियो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो जम्मू कश्मीर में सांबा का इलाका है, उधर का एक स्थान है पूर मंडल, परमंडल भी कहीं कहते हैं, उधर एक हिंदू तीर्थ का बहुत बड़ा एक हिंदू तीर्थ है। हम वहाँ पे एक शूट करने गए थे, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आए हुए हैं। तो हम उसी चीज़ की थोड़ी बहुत रियलाइजेशन करते हुए और उस चीज़ को प्रकट करने के लिए वहाँ पर गए। पर जब पहले हम वहाँ पर जब गए, तब हमने सबसे पहले वहाँ के परिषद से और वहाँ के जो लोकल लोग हैं पहले उनसे पूछा, क्या हम यहाँ पर शूट कर सकते हैं? और हमारा टॉपिक भी हमने उनको स्पष्ट करके बोल दिया। जब हम मंदिर में गए, आप देख सकते हो कि मैंने पहले कैमरा बाहर ही रखा था, जब तक मैंने अंदर जाके पुजारियों से, ये वहाँ के पुजारी से इस चीज़ की परमिशन नहीं ली कि मैंने शूट करना है और उस शूट में हमने ये चीज़ बोलनी है, आपने इस चीज़ को दिखाना है, आपने इस इतिहास को बोलना है, तब तक हमने इस चीज़ को डिस्प्ले भी नहीं किया। जब हमें परमिशन मिली, उन्होंने हमें एक बुक भी दी ताकि हम इस चीज़ की गाइड ले सकें और यहाँ पे जो जो मंदिर हैं उसके बारे में पता कर सकें। तो हमने अपने इंटेंशंस को, अपनी भावना को ये नहीं करने दिया कि नहीं जी हमारी वीडियो, हमारा स्थान है, हमारा ये है, तो हम चलो जी वीडियो बनाएंगे, जो मर्जी बोल देंगे। नहीं, एक प्रोसीजर्स होते हैं, उसको फॉलोअप करना है, मैंने एक रिकॉर्ड को स्थापित करना है, हमने एक रिकॉर्ड को सामने रखना है। आप एक इंटरनेशनल योगा प्रीचर होकर श्री दरबार साहब पहुंच रहे हैं, आपने श्री दरबार साहब में जाके, ठीक है आपकी भावना ये हो सकती है कि मैं योगा को जो है वर्ल्ड लेवल पर प्रचार लूं, पर जब आप श्री दरबार साहब में गए, क्या आपने ये जहमत नहीं की कि वहाँ पे जो गाइड्स हैं श्री दरबार साहब में कार डाल के, वहाँ पे सेवादार भी हैं SGPC की तरफ से, वहाँ पे गाइड्स भी हैं, आपने जहमत नहीं की कि वहाँ से जाके हम इनसे पहले पूछ लें? आप ये रिसर्च जो आज कर रहे हैं घर से करके नहीं जा सकते थे कि पहला देख लेते हैं कि सिख सिद्धांतों में योगा का क्या महत्व है, या फिर योगा वहाँ पे क्या डिनाय कर रहा है? आपने ये चीज़ें नहीं ऑब्जर्व की? चलो आपको नहीं पता था, तो वहाँ श्री दरबार साहिब जी के कॉम्प्लेक्स में ही हेल्प डेस्क भी है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी है, श्री दरबार साहब जी की परिक्रमा में अलग अलग जगहों पे ये इंफॉर्मेशन ब्यूरो बने हुए हैं। मैं खुद भी बोल सकता हूँ कि जब दिन मैं अपने कैमरा के साथ कई बार श्री दरबार साहब जी में शूट करने जाता हूँ, तो सबसे पहले हमें SGPC से परमिशन लेनी होती है, रूम नंबर 56 में जाके या फिर कहीं और जगहों पे जाके हम SGPC से परमिशन लेके, फिर वो हमें बोलते हैं नहीं जी आप आराम से शूट कर सकते हैं, फिर हम करते हैं, पूर्ण मर्यादा का ख्याल रखते हैं। आपने ये जहमत नहीं की कि वहाँ पर जाके हम ये चीज़ पता कर लें? नहीं, आपने क्यों करनी है? क्योंकि आपने तो फेम हासिल करनी थी, आपने तो दिखाना था कि लोगों में क्या होता है, तो इसीलिए आपने जब इस चीज़ को वहाँ पे रियलाइज ही नहीं किया आज, और आज आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब जो ये लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है तो ये क्यों नहीं हो सकता, मैंने पहले ही बोला है गुरुदर पर भक्ति भावना से जो भी चीज़ आए उसे प्रवान की जाती है, एक सुहृद भावना से। आपकी भावना तो आज स्पष्ट हो रही है कि आप भक्ति भावना से नहीं, अहंकारी मन से ही वहाँ पे गए थे। अगर वो गए होते तो जो मन शांत और निर्मल बन से उस चीज़ को बिल्कुल सुहृद तरीके से उसे, उसके लिए आपने काम किया होता, और हम इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते हैं। पर जो लोग भक्ति भावना से आते हैं,
आप उनसे मुंह से सुन लीजिए कि उन्हें श्री दरबार साहब आके एहसास क्या होता है। मत्था टेकने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि यहीं से जाने का ही मन नहीं हो रहा है। यहाँ के एक अजीब शांति मिलती है, द टाइम यू एंटर इनसाइड द डोर, मतलब मैं बहुत जगह गया हूँ और भी जगह, यहाँ के एक अजीब शांति मिलती है। जैसा सिख समाज खिदमत करता है लोगों की, इस टाइप से हर समाज में करने लगे लोग तो दुनिया में मोहब्बत इखलाक बरकरार रहेगा। जहाँ जैसे हम लोग एंटर करते हैं ना, पूरे नेगेटिव थिंग्स बाहर चली जाती हैं, पूरे पॉजिटिव थिंग्स अंदर आ जाती है। बाबा जी के जैसे दर पे पैर रखे ना गुरु रामदास जी के, पूरी पॉजिटिव थिंग्स आती है और सिमरन शुरू हो जाता है। ये यहाँ की खासियत है। लाखों लोग खाना खाते हैं, नॉन स्टॉप खा रहे हैं जब से चला है, और इतनी साफ सफाई आप कहीं नहीं मिलेगी। और मोर ओवर द भाईचारे की बात है, हर जगह मतलब सामने खड़े होते हैं पहले आके, कोई भी परेशानी आती है। इससे अच्छा वातावरण हमने कहीं भी नहीं देखा, दुनिया में घूमे हम और इससे अच्छा कहीं नहीं। किसी भी धार्मिक स्थल पे जाए, कोई भी हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहीं किसी भी धार्मिक स्थल पे हम जाए तो कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें। वीडियोग्राफी इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज़ पीपल डू एडिटिंग ऑफ दैट एंड आफ्टर दैट दे कैन ऐड एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट। जो ये पोस्ट आप देख रहे हैं कि जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि श्री दरबार साहब में नमाज कबूल है पर योगासन कबूल नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। इन लोगों ने सबसे पहले SDP से ये बोला कि हम खुदा के दर पे खुदा की नमाज को अदा करना चाहते हैं, कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। SDPC ने इन्हें परमिशन तो दी है, पर आप ज़रूर देखें कि ये परमिशन कहाँ पे मिली हुई है। श्री दरबार साहिब जी की परिक्रमा में नहीं मिली है, ये है श्री दरबार साहिब जी का बाहर का कॉम्प्लेक्स गलियारा, जहाँ पर फवारा लगा हुआ है, आए गए लोग जहाँ पर बैठते हैं, यहाँ से लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ अमल में होगी तो पता होना चाहिए कि इसी गलियारे के बिल्कुल साथ में ही प्राचीन श्री शनि मंदिर है। क्या अब श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स वहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं जी ये कॉम्प्लेक्स सारा ही हमारा है तो इस प्राचीन मंदिर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है? वहाँ पे तो हज़ारों लोग जाके दर्शन करते हैं, वहाँ की आरती होती है, प्राचीन मंदिर बिल्कुल उसके साथ में ही है। तो इसका मतलब ये लोग जो नफ़रत की लोग जो श्री दरबार साहिब जी के प्रबंध को और उसकी सांझीवालता को बदनाम करना चाहते, हो तो नहीं सकता, क्योंकि ये मुजस्सम गुरु का है, ये खुदा का है, उस अकाल पुरख का है जिसकी विशेषता इस पूरे संसार में फैली हुई है। तो ये चीज़ों से श्री दरबार साहिब जी की प्रतिष्ठा को तो कोई बदनामी नहीं होती, आप अपने ही मातबुद को ये करते हो। तो इस चीज़ से हमारा भी एक मंतव्य यही है कि ज़रूर आपको ज़रूर इस चीज़ से क्लैरिटी मिल जाए, आपको ज़रूर एहसास ये हो कि श्री दरबार साहिब जी की प्रतिष्ठा को की कोई बदनामी नहीं है, आप अपनी मत के अहंकार को दिखा रहे हो। एक वीडियो और मैंने देखी थी कि एक शख्स जो गले में तिरंगा डाले, यहाँ मुंह पे तिरंगा लगाए, वो जाना चाहते हैं श्री दरबार साहिब में। अभी उनको ये बात मेरे ख्याल से हमें सबको ही पता होगी कि पिछले साल ही इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद SDPC ने बिल्कुल बोला था कि यहाँ इस पावन धार्मिक स्थल पे किसी राष्ट्रवाद के फैलाव को नहीं फैलाना है। मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा, कई बार एक इंटरनल पॉलिटिक्स के दायरे में कई लोग इस चीज़ को, चाहे वो सिख धर्म से हो या किसी और धर्म से हो, वो इस चीज़ को बढ़ावा श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में देते हैं। किसी भी राष्ट्रवाद के कहरे को वो वहाँ पर बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, किसी खास ओकेजन पर उसको बढ़ावा देते हैं, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। जब ये शख्स वहाँ पर जाते हैं, इन्हें बिल्कुल ये चीज़ का अंदाज़ा भी है कि वहाँ पे ये चीज़ है। गुरु श्री दरबार साहब किसी राष्ट्रवाद के लिए नहीं बना हुआ, वो भक्ति की भावना को स्पष्ट करने के लिए ही रखा हुआ है। और SDPC का कोड ऑफ कंडक्ट है, सिख रहत मर्यादा है, वहाँ श्री दरबार साहब जी के अपने रूल एंड रेगुलेशन है। हम किसी दरबार वहाँ पर किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, अंदर अहंकार बड़ा हुआ है, मन में नाम ही नहीं है, बंदगी नहीं है, इबादत नहीं है, मन में यह अहंकार है कि ज़रा देखते हैं ये हमें अंदर जाने देंगे कि नहीं। सेवादार ने उनको बिल्कुल रोक दिया कि नहीं, सबसे पहले आप अपना ये सारी चीज़ें रिमूव करके ही अंदर आओ। और इसके ऊपर
उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर दी कि भाई मैं आज आया और आखिरी बार आया, और उसके नीचे के कमेंट्स पढ़ के मुझे वो अहंकार जलता हुआ और वो श्री दरबार साहिब जी की लोकप्रियता के और भक्ति के ऊपर जो सवाल करने खड़ा करने वाले हैं वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था। इधर तक लोगों की हद गिर गई कि ये लोग वहाँ पे ये लिख रहे थे कि इन लोगों को श्री दरबार साहिब जी पे फिर से एक बार 1984 जैसा हाल करना चाहिए। ये करना चाहते हैं आप वहाँ पे जाके? वहाँ पे उन बच्चों की आवाज़ें आपको नहीं सुनाई दे रही? आपको नहीं पता कि, आपको तो पता भी नहीं होगा ना 1984 में क्या क्या हुआ है वहाँ पे, कौन कौन वहाँ पे बिना पानी से जब 35 आदमियों को जान से हाथ धोना पड़ा, जब दरबार साहब की परिक्रमा में खून ही खून था, औरतों को बेपत किया गया, फिर दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब पे गोले दागे गए, वो चीज़ आपको नहीं दिख रही और आप ये कह रहे हैं कि 1984 जैसा हाल करें। इसकी महिमा वो चीज़ें श्री दरबार साहब जी की प्रतिष्ठा पे या फिर उसकी इस पे कभी ये नहीं होती। करने वाले अपने दिन को भोग के चले भी गए हैं और वो दरबार आलाही वहाँ पर स्थापित है और रहते हुए समय तक, समय के अदृष्ट काल तक वहाँ पर स्थापित रहेगा। तो इसका मतलब जब आप अहंकार भावना से, अहंकारी भावना से किसी भी जगह पे जाओ, गुरुद्वारे हम जाते किसके लिए हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते किसके लिए, वहाँ के एक ज्ञान को अंदर प्रकाश करने के लिए, गुरु से, खुदा से, भगवान से उस मत को लेने के लिए, ताकि अंदरले हृदय में जो अहंकार है वो टूट जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को समर्पण करके चलें, अपनी समर्पता उसके आगे सामने रखें। अगर आपके अंदर ये चीज़ होती तो पहले आप इस चीज़ को देख लेते। ये तिरंगे का सत्कार आपको, अगर ये एक्ट जो आपके सामने आ रहा है, ज़रा इस पे ध्यान से पढ़ लेना कि तिरंगा कोई कॉस्ट्यूम फैशन के लिए नहीं है जो आप लोग करना करके जाते हो वहाँ पे। ये एक सबसे बड़ी निरादरी है। पता तो आपको इस चीज़ के बारे में होगा, लेकिन क्या करें, आपको टारगेट मिला है श्री दरबार साहब, आपको टारगेट मिला है सिख सिद्धांत, आपको टारगेट मिला है सिखों की यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और उस पर अगर जब आप ये करेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको जब फेस करनी ही पड़ेगी। और मैं वो सारे लोग जो श्री दरबार साहब जा रहे हैं, उधर दर्शन कर रहे हैं, आप बिल्कुल ही प्यार और नम्रता से जाएं। वो एकमात्र स्थान है जिसने आज तक, जहाँ का लंगर 24 घंटे हर एक शख्स के लिए खुला है, जहाँ की वाणी हर एक इंसान सुन सकता है, जहाँ पे किसी के भेदभावना को नहीं रखा जाता, हर किसी की सेवा और आदर के लिए हर किसी को ये किया जाता है। जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, ज़रा उसको आप ध्यान से सुन लेना कि जो लोग श्री दरबार साहिब में भक्ति भावना से जा रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलने का मन नहीं जा रहा। मैं जितनी बार श्री दरबार साहिब गया हूँ, वहाँ कई बार परिक्रमा में या जिस समय हम श्री दरबार साहिब जी के अंदर जाने के लिए जो पुल बना हुआ है उधर से जाते हैं, तो कई लोग वहाँ पर मिलते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि आज इस सिद्धांतों से मिल के, इन सिद्धांतों के बारे में जान के और इस वाणी को सुन के मन कर रहा है, आज बड़ी वैल्यूज़ को पता लगा है यहाँ पे, उसके बारे में और चीज़ें पता लगनी शुरू हुई। कई लोग पर, जो लोग इसकी बदनामी करना चाहते हैं, जो फैक्ट्स से हमेशा दूर रहते हैं, जो वैल्यूज़ को समझते नहीं, जो वहाँ के रेगुलेशन से दूर रहना चाहते हैं, जिनका टारगेट ही है कि इस चीज़ को बदनाम करके सामने रखा जाए, उन लोगों के लिए सिर्फ हम अरदास ही कर सकते हैं कि सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उन्हें भी समत बख्शें और अपने दर घर से ज़रूर उन्हें नम्रता बख्शें, प्रेम बख्शें और हलीमी बख्शें। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से भरपूर जानकारी मिली होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।